बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण प्रेगनेंसी के टर्म को कर रही हैं एंजॉय और बहुत जल्द दीपिका पादुकोण आप सबको मदरहुड एंजॉय करते भी नजर आएंगे। इस साल सितंबर के महीने में दीपिका और रणवीर के पहले बच्चे की डिलीवरी डेट तय है, ये उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है। खैर, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में आपको एक बहुत ही मज़ेदार खबर सुनाने जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने किया है रिवील, वो चाहती हैं 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने मां बनने से पहले ही डिलीवरी से पहले ही 3 बच्चों को लेकर अपनी ख्वाहिशें जाहिर की हैं। दीपिका पादुकोण अपने फ्यूचर फैमिली प्लानिंग को लेकर अपने फैंटसी जाहिर करते नजर आए थे और उन्होंने ये अरमान अपने रखे थे कि वो 3 बच्चों की मां बनना चाहती हैं। वहीं रणवीर सिंह की बात करें तो उन्होंने पहले भी बेबी गर्ल प्रेफर किया है। जी हाँ, एक बेटी के पिता बनने की ख्वाहिश रणवीर सिंह की है, वहीं दीपिका चाहती है 3 बच्चों की मां बनना। इस बार सितंबर 2024 में दीपिका रणवीर के घर गूंजेगी किलकारी, लेकिन वो बेटा हो गया बेटी ये तो उस दिन ही पता चलेगा। फिलहाल दीपिका प्रेगनेंसी के इस पीरियड को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। रणवीर भी वापस लौट आए हैं क्रूज पार्टी के बाद और अपनी वाइफी के साथ उनके इस बेहद ही क्रिशियल टाइम पर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंटहुड को एम्ब्रेस करने के लिए उनका डिज़ायर खुलकर सामने आया, जिससे फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उनके पेरेंट बनने को लेकर एक्साइटेड नज़र आए हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे दीपिका के विश कैसे सामने आए थे। दीपिका ने कहा था, अगर मैं एक एक्ट्रेस नहीं होती शायद, मुझे नहीं पता लेकिन मैं क्या कर रही होती ये मैं गारंटी से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे पास मेरे अपने बच्चे होते, एटलीस्ट 3 बच्चों की माँ तो मैं ज़रूर होती, मैं इतना काम करती ही उनके लिए, और तो और एक हैप्पी फैमिली होता। नेक्स्ट 9 लाइव्स रिपोर्ट।